अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको हॉर्स राइडिंग के इलाके बेलबरी लेके जाएंगे जिसमें तकरीबन 2 घंटे की हॉर्स राइडिंग होती है। जिस इलाके में ये वकूक पजीर है वहाँ ये इलाका जंगल पर मुश्तमिल है। आज हमारे दोस्तों ने यह तजुर्बा हासिल करने के लिए वहाँ पर जाने का प्रोग्राम बनाया जिसमें जावेद सरफराज, इरशाद, जकी और अब्बास गुलाम शामिल है। वैसे देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं मेलबर्न की वेबसाइट पर इस दफा हमने घुड़सवारी का शोल चुन लिया। आइए आपको भी सैर कराते हैं। बेलबरी के वेन्यू मेलबर्न से तकरीबन 1 घंटे 14 मिनट के फासले पर वाकया है जो जिलांग क्रॉस करके एंजलसी की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है। हमारी ये वीडियो 2 अकसात पर मुश्तमिल है जिसके पहले हिस्से में है घुड़सवारी की जगह की सैर कराएंगे और दूसरी किस्म में क्विंस क्लिप और सोरांटो फेरी के बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर महजूज होंगे। हमेशा की तरह रास्ते में जाते हुए रिफ्रेशमेंट के लिए कॉफ़ी ब्रेक लिया और साथ में हल्का फुल्का स्नैक भी लिया ताकि रास्ता लंबा होने की वजह से तवानाई बरकरार रहे। जिलांग के इलाका और ऐसे मलहका इलाके हमेशा टूरिस्ट के लिए एक पुरकशिश इलाका रहा है। जिलांग के मलहके इलाकों में ग्रेटेशन रोड हमेशा सियाहत की तवज्जो का मरकज रहा है। जुलाई 2018 और जून 2019 के दरमियान 2.8 मिलियन सियाह ने इस इलाके का दौरा किया जिसमें 2.6 मिलियन मकामी सियाह शामिल है और बाकी मानदा 2,51,000 बैले कौमी टूरिस्ट शामिल है जिन्होंने इन इलाकों की सैर की। जिलांग में एक बड़ी आबादी हमारी पाकिस्तानियों की है जिन्होंने 2007 में यहाँ रहना शुरू किया था। ज़्यादातर पाकिस्तानी में शमाल मगरबी इलाके की बासी है जो रोज़गार के हसूल में यहाँ पर आबाद हुई और जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर उठना बैठना इन लोगों से शामिल रहा है। और इन इलाकों को मेलबर्न के बाद दूसरा घर भी कह सकते हैं क्योंकि रोज़गार के हसूल के मौके ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट और महाजरीन यहाँ पर आबाद हुए हैं। जिलांग पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बरह मेहरबानी मेरे चैनल पर देखना मत भूलिए। थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ बेलबरी के बारे में। यहाँ पर घुड़सवारी के लिए प्री बुकिंग करनी पड़ती है जो उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसमें वक्त और तारीख का तयन आप कर सकते हैं क्योंकि बाहर बुकिंग की घुड़सवारी की अवेलेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही है इसलिए बुकिंग करने में भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपको अपना ट्रिप प्री प्लान करना पड़ेगा। घुड़सवारी की कीमत भी बंदा $80 है और ये 2 घंटे के वक्त पर मुश्तमिल है जो आपको तुर्की और एंजलसी के दरमियान ट्रेल पर आपकी घुड़सवारी होगी और ये एक तजर्बाकार घुड़सवार के रहनुमाई में होगी। थोड़ा यहाँ पर जिक्र मैं ग्रेट ओशन रोड का जिक्र करता चलूँ। ये रोड ट्रिप एक खूबसूरत संगलाह पहाड़ों के किनारे गुजारा किया है जो खूबसूरती में मेलबर्न ने 101 चीज़ों में 5वें नंबर पर आता है और दुनिया में 9वें नंबर पर रखा गया है रोड ट्रिप के हवाले से। चूँकि ग्रेट ओशन का इलाका इसी रोड पर वाक़ होने की वजह से इसकी तारीख बताता चलूँ और इससे पहले मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ जो लोन और ग्रेट ओशन के नाम से है मेरे यूट्यूब चैनल पर, देखना मत भूलिए। इसकी तारीख 1918 से चली आ रही है जब पहली जंग अजीम में फौजों की वापसी के बाद उनको नौकरी और एक ऐसा मोनूमेंट बनाना चाहते थे जो लोग पहली जंग अजीम में कुर्बानियाँ दे चुके थे और दूसरी वजह साहली रास्ता बनाना चाहते थे ताकि साहिल पर मकामी आबादी आसानी से आ सके और जा सके। ये रोड 242 किलोमीटर की मसाफत पर मुश्तमिल है जो संगलाह पहाड़ों को काटकर बनाई गई है और अब एक साहली रोड की वजह से मशहूर है। जी दोस्तों, बेलरी में स्प्रिंग क्रीक हॉर्स राइडिंग के मकाम पर पहुँच गए। ज़्यादातर रास्ता पक्का है लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले कुछ रास्ता कच्चा है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़मरे में आता है, इसी वजह से इसको इसी तरह कच्चा रखा गया है। हम 6 दोस्तों ने 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया, अगरचे हम सब एक गाड़ी में आ सकते थे लेकिन रास्ते की तवील होने की वजह से हमने 2 गाड़ियों को मुनासिब समझा ताकि रास्ता आराम से गुजर जाए। इसके साथ ये बताता चलो कि हमने ड्रोन से भी इस इलाके की वीडियो बनाई है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इलाका ऊपर से कैसे नज़र आता है। और हाँ दोस्तों, घुड़सवारी की अक्सबंदी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है जो हमें पता नहीं था, इस वजह से हमने घुड़सवारी की वीडियो नहीं बनाई, माजरत के साथ। बहरहाल आप ड्रोन के ज़रिए इस इलाके का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
दोस्तों, हमारा ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलिए और हमारे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। खुदा हाफिज़।